इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाए। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा। राम लगन में चित बीज राम मोहे, राम दुलारो राम प्यारो, राम नाना काम रे, राम दर्श करते करते भूल गई दिन रात रे, जब चलो राम चुनरिया देख जग हैरान रे। Hare Krishna everyone, and welcome to another vlog. And today is Monday and the time is 3 PM in the afternoon. 3 baj gaye hain aur sham ko aaj Monday hai yahan Fiji mein, aur ek aur naye vlog mein sabhi ka swagat karte hain. Aap sabhi ko kaise ho aap, and hope you all are doing good. To aaj ka video hai, aaj ke vlog mein hum aap se baatein karna chahte hain. तो हम जानते हैं कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो हम कृष्णा कहते हैं, हरे कृष्णा। किसी से हम मिलते हैं तो हम कहते हैं या हरे कृष्णा, हरि बोल, या जय श्री कृष्णा कहते हैं, पूरे फॉर्म में हम कहते हैं। इवन जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो हम पूरे फॉर्म में लिखते हैं जय श्री कृष्णा। लेकिन अभी देखा जाए तो शॉर्टकट्स, ये जो शॉर्टकट्स अभी स्टार्ट होने लगा है, तरह तरह के शॉर्टकट होने लगा है। जय श्री कृष्णा के हो गया जय एस के, किसी को मैसेज किया तो जय एस के, हाय जय एस के, हाउ यू डूइंग, या फिर एच बी, हरी बोल को बना दिया है एच बी, हरे कृष्णा को बना दिया है एच के। झूले झूले कृष्णा में कृष्ण कर गई, झूला झूले पलना में कृष्ण कन्हैया। अब आप ही बताइए, तो क्या ये एच के, अगर कोई नया पर्सन है, आप अगर आप नए पर्सन के लिए अगर आप मैसेज कर रहे हो तो क्या आपको एच के लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? एनीवे टेक्स्ट में एच के ज़्यादा यूज़ होने लगा है, एच के शॉर्ट फॉर्म कर दिया है हरे कृष्णा का। तो क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना छोटा है, इतना चीप है कि हम एच के आप लोग लिख रहे हो? तो कई लोग मैसेज करते हैं, हमारे पास भी मैसेजर आते हैं एच के एच बी। तो भगवान का नाम क्या इतना सस्ता है, इतना चीप है, इतना छोटा है कि पूरा नाम भगवान का आप लेना नहीं चाहते हो? भगवान के कृपा से सभी के जीवन में सब कुछ सुंदर होता है, तो भगवान का नाम आधा क्यों लिया जाता है? नए लोगों के लिए अगर आप बात करोगे, अगर हम बात करते क्या एच बी करके बात करेंगे, हम कहते हैं ना हरे कृष्णा, हम कहते हैं हरी बोल, हम ये नहीं कहते। अगर हम आपसे मिलेंगे, हम आपसे करें बोलेंगे हरे कृष्णा माता जी, या हरे कृष्णा प्रभु जी, या हरे कृष्णा, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे एच के एच बी, जय एस के, जय श्री कृष्णा का जय एस के हो गया। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। कभी भी शॉर्ट फॉर्म में भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहिए। हे इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कोई हमारे तरह मामूली इंसान नहीं है, वो भगवान श्री कृष्णा है, द सुपर सोल, परम आत्मा है। तो हरे कृष्णा कहने से कुछ कुछ लोगों को क्या तकलीफ हो जाती है, क्यों इतने लाइफ को शॉर्टकट में लेके जाना चाहते हैं कि भगवान का नाम ही शॉर्टकट में बना दिया। हमने आज तक कभी भी एच बी एच के नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा, और ये पढ़ने में बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि भगवान का नाम लोग इतने शॉर्टकट में बदल दिए हैं एच के। हरे कृष्णा लिखो, भगवान का नाम पूरा लिखना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में कभी भी नहीं लिखना चाहिए।
भागी जब देखी प्यारी हो गई नेमत वारी छवी जब देखी प्यारी हो गई नेमत वारी भावे न मुझको कोई का मुझको बसानो बिजला मुझको बसानो बिजला। हमारे कृष्ण कन्हैया का नाम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण का नाम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है। भगवान का नाम अगर आप लेते हैं फुल फॉर्म में, नो शॉर्टकट्स, और अगर किसी को सुनाते हैं भगवान का नाम, किसी को सेंड करते हो मैसेज उसमें भगवान का नाम आप लिखते हो, तो सभी का जीवन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम से सभी का जीवन पवित्र हो सकता है। नाम न कोई राधे जैसो नाम न कोई अर्जदासी की मानो शाम मुझको अपना लो अर्जदासी की मानो शाम मुझको अपना लो कर दो मेरा भी इंतजार मुझको बसा लो ब्रिजला मुझको बसा लो ब्रिजला। तो लाइफ में इतना सब कुछ शॉर्टकट होने लगा है कि नाम भी शॉर्टकट में लिखा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कलयुग का असर, माया का असर आप देख सकते हैं। तो अगर माया में और डूबना चाहते हो, कलयुग में और डूबना चाहते हो, तो शॉर्टकट अपनाइए। भगवान का नाम भी शॉर्टकट हो रहा है। बचना चाहते हो तो हरि के शरण में आइए, श्री राधा कृष्णा और नाम पूरा लीजिए। सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरि। जैसे हम महामंत्र का जाप करते हैं, पूरे बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अब हम शॉर्टकट में तो चैंटिंग नहीं कर सकते हैं ना, के एच आर आर ऐसा तो नहीं चैंटिंग किया जाता है। तो प्रभुपाद ने, शिला प्रभुपाद जी ने शॉर्टकट जब क्रिएट किया ही नहीं है, हेच के हेच भी जय एस के नहीं क्रिएट किया है, तो फिर हम अपना क्यों चलाते हैं, हम क्यों अपने सब आइडियाज़ अपने शॉर्टकट्स निकालने लगते हैं। चैंटिंग हम माला पे तुलसी माला पे पूरा करते हैं, तो फिर भगवान का नाम लेने में तकलीफ़ क्यों होती है, क्यों शॉर्टकट्स होता है। सो प्लीज़ अगली बार कभी किसी को मैसेज करना, कहीं पर आजकल फेसबुक पे कमेंट्स भी आ जाता है HB HK, तो प्लीज़ फुल फॉर्म में लिखिएगा भगवान का नाम। जितना सुंदर भगवान उतना ही सुंदर भगवान का नाम है। लेने से पवित्र होती है आत्मा, माइंड, बॉडी एंड योर सोल, तो पवित्र कीजिए, पूरे नाम लीजिए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए नजरें मिला के शाम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे
नजरें मिलाई। क्योंकि अगर आप किसी नए लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं मैसेज पे कर रहे हैं, तो अगर उनको आप HB लिखेंगे तो उनको थोड़ा पता रहेगा, उनको ये नहीं मालूम रहेगा कि HB का मतलब क्या है। या फिर अगर आप HK लिखेंगे तो HK लिखेंगे ये सोचेंगे कि HK का मतलब क्या है, इन्होंने मुझे HK क्यों लिखा, इन्होंने मुझे HB क्यों लिखा। तो जब पहला पहर मेरे पास HK आता था तो मैंने सोचा था उसका मतलब शायद हांगकॉन्ग होगा, हांगकॉन्ग मैंने सोचा। फिर बाद में पता चला कि HK हरे कृष्णा को HK कर दें। अब इसी तरह लोग HB को क्या सोच सकते हैं, HK को क्या सोच सकते हैं, NJSK जय श्री कृष्णा JSK। सो प्लीज राइट इन फुल फॉर्म। गोविंद भजले प्यारे, गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। इसीलिए कहते हैं खुद भी पूरे लॉन्ग फॉर्म में भगवान का नाम का जाप करो, भगवान का नाम लो, और लोगों से जब बात करते हो तो हरे कृष्णा हरि बोल जय श्री कृष्णा करके बात करो, शॉर्टकट मत यूज़ करो, क्योंकि भजले हरि के नाम तेरे काम आएगा। राधे राधे।